आज सुबह 10:30 पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम ने रियाज चक्रवर्ती को अपनी ऑफिस पहुंचने के फरमान जारी किए। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं, 9 सितंबर तक के लिए शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा दोनों को ही रिमांड में एनसीबी ने अपने ऑफिस में रखा है और दोनों को अरेस्ट किया गया है। तमाम जांच पड़ताल के लिए सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिन्होंने ये गवाही दी है, ये एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कन्फेस करते हुए कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही वो उनके इशारे पर ही डील किया करते थे और नशीली पदार्थ का सेवन करने के लिए तमाम सितारों से मिलते थे और सुशांत के घर पर सैमुअल मिरांडा रिया के कहने पर ही नशीले पदार्थ का सेवन उन्हें कराने के लिए लेकर आते थे। ऐसे में पूरी तरह से अपना हाथ पीछे करके सैमुअल मिरांडा ने ये इल्ज़ाम तो रिया पर लगाया, इसमें साथ रिया के सगे भाई शौविक ने दे दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि वो अपनी बहन के कहने पर पेडलर से मिलकर परचेज करते थे नशीले पदार्थ और सुशांत सेवन भी किया करते थे उसका। और ऐसे में रिया जो अब तक समोन की गई थी, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ हिरासत पर थी, डिटेन किया गया था उनके परिवार को और अब एनसीबी ऑफिस ने हेड ऑफिस में रिया चक्रवर्ती को बुलाया और वहां पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती। जी हाँ, जहां पर रिया को हिरासत में रखने के बाद इन्वेस्टिगेशन में उन्हें ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कनेक्शन है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून की तारीख को जब अपने घर पर थे तो उनके खुद के नौकर नीरज ने बात कही है कि 3 दिनों के जो नशीले पदार्थ थे वो गायब थे और ठीक उसी दिन जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ। अब जलेबी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स के बीच, वही ऑफिसर्स जिनमें से 8 लोगों को रिया के रेसिडेंस में पहुंचते देखा गया था, जहां से शौविक को गिरफ्तार कर अपने ऑफिस वो लेकर आए। मुंबई कोर्ट में हाल ही में जोरों शोरों से बहस चली है। आपको बता दें, सैमुअल मिरांडा के लॉयर और एनसीबी के टीम के कोर्ट मुंबई कोर्ट में जो लॉयर थे उनके बीच तीखी बहस चली, कोर्ट में मचा हंगामा। कहा जा रहा है कि इसके बाद मुंबई पुलिस वाले भी पहुंचे हुए थे जहां पर एनसीबी को बुलाया गया। ऐसे में रिया ना सिर्फ एनसीबी बल्कि क्राइम ब्रांच की तीनों टीम, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन की टीम CBI, इन सब के सामने पेश हो चुकी है और वहां अब उनके पास जवाब देने के लिए क्या शब्द है ये तो अब स्टेटमेंट सामने आएंगे, इसके बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि समन करने वाले तीनों के तीनों क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने रिया को लेकर उन्हें से उम्मीद जताई है कि सच सच वो कबूल करेंगी। वैसे आपको बता दें कि CBI ऑफिसर राजधानी दिल्ली से गई IPS CBI ऑफिसर नुपुर शर्मा ने रिया पर हाथ उठाया और उन्होंने थप्पड़ जड़ा। इस तरह के तमाम मुद्दे उठे थे जब रिया को पहली बार CBI जांच के दौरान सवालों का जवाब देने के लिए CBI की ऑफिस पहुंचना पड़ा था। इसके बाद काफी ज्यादा ट्रॉल हुई थी रिया चक्रवर्ती। खबर ये तक आ रही थी कि रिया ने मुंबई पुलिस थाने सांता क्रूज थाने में जो शिकायत दर्ज की थी अपने परिवार को लेकर कि मीडिया काफी ज्यादा हैरेस कर रही है उनके परिवार को, उनका घर से निकलना तक बंद हो गया है, उनके पिता के साथ बदसलूकी की गई। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के पिता जिन्होंने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया है, बधाई हो भारत, मेरा बेटा गिरफ्तार हो चुका है और मेरी बेटी की बारी है, इसके बाद अब पता नहीं किसकी पारी होगी, ऐसे कहा था कॉलोनल जो कि डॉक्टर रह चुके हैं आर्मी की। उन्होंने ये कहकर अपना दुख बताया और जाहिर किया कि जस्टिस के लिए कुछ भी जायज़ है, ये बात सामने आती है। और इसी के बाद रिया चक्रवर्ती तुरंत सुबह में ये ऑर्डर पा चुकी है और तुरंत निकल चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि अपनी टीम के साथ वो क्या अपने लॉयर के सपोर्ट में कुछ कह पाएंगी, क्योंकि यहाँ 10:30 मुंबई NCB ऑफिस में रिया चक्रवर्ती से तमाम सवाल किए जा रहे हैं, जो कि अपना रेसिडेंस छोड़ चुकी है। जी हाँ, अरुणिल और सिद्धार्थ जो कि डिटेल दे रहे हैं इसे लेकर, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और जो माफिया है बॉलीवुड के नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले, उन सभी के बीच ये भिड़ंत हुई है। गौर करने वाली बात यह कि सुशांत के कुक दीपेश सावंत भी अरेस्ट किए जा चुके हैं, ये बड़ी खबर आई है। जी हाँ, दो
तीन पेडलर्स के बाद सैमुअल मिरांडा शॉवी को गिरफ्तार किया गया, पांच के बाद एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया गया, छठे के बाद अब दीपेश सावंत सातवां वो शख्स है जो कि गिरफ्तार हो चुका है सुशांत मामले में, और एनसीबी ने उन्हें डिजिटल एविडेंस के माध्यम से गिरफ्तार किया है। जी हाँ, डिजिटल एविडेंस सबूत बना है उनके लिए, और सीबीआई के लिए ये एक जीत की तरफ नया लक्ष्य है। वहीं रिमांड में एनसीबी ने 9 सितंबर के लिए कस्टडी में अपने ले लिया है उन्हें, और ऐसे में शौविक रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती दोनों ही स्टेटमेंट दिए गए हैं। जी हाँ, रिया के पिता ने, लेट कॉलोनल इंद्रजीत चक्रवर्ती ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो काफ़ी हैरान करने वाले, जिसके बाद रिया को फौरन बुलाया गया है एनसीबी ऑफिस में। जी हाँ, वो स्टेटमेंट था, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, यू हैव अरेस्टेड माई सन, आई एम श्योर नेक्स्ट इन द लाइन इज माई डॉटर एंड आई डोंट नो हु इज नेक्स्ट दे आफ्टर, यू हैव एक्टिवली डिमोलिश्ड अ मिडिल क्लास फैमिली, बट ऑफकोर्स फॉर द सेक ऑफ जस्टिस एवरीथिंग इज जस्टिफाइज, जय हिंद। ऐसे आपको बताना चाहेंगे सुशांत के हाउसकीपर दीपेश को अब एनसीबी ग्रिल कर रही है, और सीबीआई के डंडे, एनसीबी के डंडे खड़े हैं इनके लिए, जो कि अब सवालों का जवाब नहीं देंगे तो सीधा उसके शिकार होना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती के घर भी वो पहुंचे, खबर थी कि सुबह उन्हें लेने के लिए सुशांत सिंह राजपूत और उनके बैंक अकाउंट मैनेजर रजत मेवाड़ी के बीच जो व्हाट्सएप चैट थे वो सुशांत की इनसिक्योरिटी को लेकर मई के थे, जब रिया उनके घर पर ही रह रही थी और उनके खर्चे पर ही पल रही थी ये कहा जा रहा था, और इन सब के बीच सुशांत का इनसिक्योरेंस और छुप कर रिया से दूसरे नंबर से रजत मेवाड़ी को मैसेज करना, इनसिक्योरेंस और श्रुति मोदी के खिलाफ बैंक मैनेजर का बयान देना इस वक्त सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में बना है। इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि रजत मेवाड़ी ने जब इल्जाम लगाया मैनेजर सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी के खिलाफ कि वो सुशांत से बैंक के अकाउंट की डिटेल छुपाती थी, तो श्रुति मोदी को लेकर ये राज भी खुला कि अपने राज को छुपाने के लिए श्रुति मोदी रिया का सहारा लेती थी और रिया सुशांत पर पूरी तरह से कंट्रोल किया करती थी, कंट्रोल रखती थी। रिया के रहते हुए सुशांत किसी और से किसी भी तरह की बात नहीं कर पाते थे, डिसीजंस रिया के फैमिली के थ्रू ही चलती थी। रिया की वजह से ही सुशांत और उनकी बहन प्रियंका में झगड़े हुए, रिया की वजह से ही साल 2019 जून के महीने से रिया से संपर्क के बाद रिया उनके घर शिफ्ट हुए, उसके बाद मेंटल स्ट्रेस काफ़ी बढ़ने लगा, एंग्जाइटी की शिकायतें सुशांत को होने लगी, डिप्रेशन इस कदर बढ़ा कि नवंबर के महीने में बहन से झगड़े के बाद वो सीधा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हिंदुजा हॉस्पिटल में। तो तमाम इल्ज़ाम है सभी रिया के खिलाफ है, और जवाब में रिया के पास शब्दों के अलावा कोई तो सबूत नहीं, तो क्या सुशांत को न्याय मिलते हुए, रिया की सच्चाई को नजर में रखते हुए क्या रिया को सजा मिलेगी, ये तो अब सीबीआई ही तय करेगी। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ जुड़े रहें, और रिव्यू दें कि आपको रिया के अरेस्ट को लेकर क्या आप एग्री करते हैं कि रिया को अरेस्ट करनी चाहिए डिजिटल एविडेंस के माध्यम से, कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं।